हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 में दे रखा है, फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, ताश की गड्डी है जिसमें 52 पत्ते हैं, जिसमें से पत्ता निकाला गया है। निकाला गया पत्ता स्पेड का होगा, प्रोबेबिलिटी बताओ। निकाला गया पत्ता ब्लैक होगा, प्रोबेबिलिटी बताओ। निकाला गया पत्ता एस होगा, प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले हम यह लिखेंगे कि हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं। टोटल कार्ड हमें दे रखे, टोटल कार्ड है 52, ताश की गड्डी जिसमें 52 पत्ते हैं। हमारा जो इवेंट है, ठीक है, निकाला गया पत्ता, वो क्या होना चाहिए, ड्रोन कार्ड एज स्पेड। अब स्पेड के टोटल कितने पत्ते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक कार्ड का चार्ट दिखा देता हूँ। देखो, ये कार्ड का वो चार्ट होता है जिसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसको चार कैटेगरी बांटा जाता है, क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड। क्लब के अंदर भी 13 पत्ते होते हैं जिसका साइन कुछ इस तरीके का होता है, डायमंड में भी 13 पत्ते होते हैं जिसका साइन कुछ इस तरीके का होता है, ये रेड होता है, ये भी रेड होता है, हार्ट भी, स्पेड होता है ब्लैक, ये उल्टा हार्ट होता है एक तरीके से। 13 पत्ते इसके होते हैं, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके। हमें पूछा है स्पेड, स्पेड में कितने होते हैं, टोटल 13 पत्ते होते हैं। 13 कौन कौन से पत्ते होते हैं, ये होते हैं किंग, क्वीन, जैक, बाकी 1 से लेकर 10 तक गिनती होती है। तो यहाँ पर स्पेड के कार्ड हुए 13। अब निकाला गया पत्ता तो एक है, जबकि यहाँ तो स्पेड का कौन सा है पत्ता, किंग है, क्वीन है, जैक का कौन सा मालूम नहीं है। तो हम इसके पूरे ग्रुप को ही ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। टोटल हमारा कितना है 52, 13 कम 13, 13 चौके 52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। इवेंट नंबर सेकेंड बोला गया है, निकाला गया पत्ता ब्लैक होगा, ड्रोन कार्ड इज ब्लैक। तो फिर हम यूज़ करेंगे इस टेबल का ही। देखो, मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको चार कैटेगरी दिखाई, क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड। आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा, मैंने इनको ब्लैक से दिखा रखा है। तो क्लब ये हमारे होते हैं ब्लैक में, स्पेड भी ब्लैक का होता है। तो 13 पत्ते इसमें होते, 13 इसमें होते, टोटल कितने हुए 26 हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मतलब टोटल कार्ड कितने हैं 52, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक, तीसरा पार्ट हमारा बोले निकाला गया पत्ता एस ऑफ डायमंड का होना चाहिए। अब वैसे तो 21 जो होते हैं एस, वो होते हैं चार। देखो, एस होता है जिस पे ए बना होता है, ए ए ए, ठीक है, बट हमें बोला डायमंड का ही चाहिए, तो डायमंड का एक सिर्फ एक ही होता है। अलग अलग बोलते क्लब का, हार्ट का, स्पीड का, तो वो अलग अलग है। अगर सिर्फ एस बोलता तो चार होंगे, बट डायमंड का होगा वो सिर्फ इकलौता एक ही एस होता है। तो एस कितना होगा यहाँ पे एक। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फिर वही, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। टोटल कार्ड हमारे कितने 52, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 1/52। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 107, जिसमें बोला गया है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ अ वेटिंग लिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ 150%। सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन मतलब CBSE है, वो 150 बच्चों का एग्जामिनेशन करवाएगी। आउट ऑफ दिस 60 आर वुमेन, जिसमें से 60 है वुमेन और 90 हमारे मैन हैं, दोनों को जोड़ेंगे 150 आएगा। वन एग्जामिनर इज टू बी सिलेक्टेड, इनमें से एक एग्जामिनर को सिलेक्ट करना है टू रिप्लेस ऑफ एग्जामिनर हु हैज़ नॉट रिपोर्टेड एट द सेंटर, मतलब उस एग्जामिनर की जगह पे जहाँ पर वो एग्जामिनर आया नहीं, उसकी जगह पे एक बंदे को सिलेक्ट करना है, किन में से 90 और 60 में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जामिनर सिलेक्टेड अ वुमेन, अगर वुमेन को सिलेक्ट किया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैन को सिलेक्ट करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे टोटल पर्सन कितने होंगे, टोटल कैंडिडेट, तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल पर्सन, ठीक है, टोटल पर्सन। देखो यहाँ पे गिवन था 60 है वो तो हमारे वुमेन है, 90 हमारे मैन है, दोनों को ऐड किया टोटल हुआ 150। अब यहाँ इवेंट ये है कि जो अगर हमने वुमेन को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टेड वुमेन, अब वुमेन तो यहाँ पे टोटल कितनी है 60 है, अब 60 में से कोई भी वुमेन हो सकती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो इसलिए इसके पूरे कैटेगरी को ही ले लेंगे, 60 ले लिया मैंने। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना होगा 60, और अपॉन में टोटल आउटकम हमारा कितना होगा 150, 0 से 0 कैंसिल हुआ, अपॉन में 15, 3 2 6 3 5 15। अब यहाँ पे सिलेक्शन तो एक का होना है, बट मैंने पूरे 60 के ग्रुप को ले लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि हमें ये गिवन नहीं है जो वुमेन होगी पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, तो इसलिए हम इसके पूरे ग्रुप को ही ले लेंगे, अपॉन में ले लिया 150 टोटल को। इसका फॉर्मूला आता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। सॉल्व किया तो प्रोबेबिलिटी आई हमारी 2/5। सेकेंड इवेंट है, अगर सिलेक्ट कर लिया जाए मैन को, सिलेक्टेड अ मैन,
अगर मैन को सिलेक्ट करेंगे, मैन कितने हमारे यहाँ पे 90, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, फिर वही फेवरेबल आउटकम 90, टोटल कितना है 150, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9/15, 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 3 9, 3 5 15, प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 3/5। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।